क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए सब लोग अचानक? अरे कुछ नहीं, वो खाने के बाद टहलने गए हैं बाहर, और नुक्कड़ वाले मिश्रा जी के वहाँ पान खाने। ओ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे लाइट को छोड़ो, ये पूछो कि मुझे क्या हुआ है मेरी जान। तुम्हें कब नहीं होता, तुम्हारा तो इलाज करवाना पड़ेगा सीरियस। अरे मेरा तो मर्ज भी तुम और इलाज भी सिर्फ तुम। अच्छा जी। हाँ जी। ये तांबे का लोटा उठा के मारूंगी, या फिर ये मच्छर मारने वाला रैकेट, इस पीटूंगी तुम्हें। अच्छा बेटा, मारी तुम्हें। बातों में टाइम वेस्ट मत कर, पगली इधर आजा। स्टाफ है घर में। अरे गोली मारो इस स्टाफ को, सब तो अपने घर चले गए। इधर काम करो जल्दी, चुप जा, कोई और चले पाना तो। अरे ये तीन मैजिकल वर्ड्स ही तो सुनने थे, कोई आ जाएगा तो। अरे ये सुनते ही मोड तो बन ही जाता है, जाए मन अब तो आए। अच्छा कार्तिक, मैं तुमसे कुछ कहना है? अभी नहीं, जब सब आ जाएंगे ना तब बताना। लेकिन जब तक देश के बाहर नहीं जाते ना, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलती। माय गॉड, दैट जिप वाला ब्लाउज सो कंफर्टेबल यार, बनवा लो ना। मैं भी वही सोच रही थी। फिर से भेजिए ना। हाँ हाँ बनी है, भिजवा दूंगी। भैया भाभी आप लोग पान खाने क्यों नहीं आए? ऐसे ही हमने सोचा सब लोग गए तो सबके लिए बिस्तर बिछा देते। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो। अरे वाह। अरे वाह। चलिए सब लोग एंजॉय कीजिए, और मुझे सर एक्सक्यूज कर दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं निपटा लूं जरा। हाँ हमें भी, वो हमारी संध्या पूजा नहीं हुई ना आज। भाई हम तो यहीं बैठ के गप्पे मारेंगे, मैंने तो भगवान जी से 2-4 दिन के लिए छुट्टी मांग ली है। भाई साहब ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। हाँ वैसे लग तो मुझे भी रहा है कि अगर सुबह को भी काम शुरू कर देंगे तो मेरी हेल्प कर दोगे तो काम तो टाइम से निपट ही जाएगा। चलिए मैं भी आ जाता हूँ। तो हम भी भगवान से माफी मांग ही लेते हैं। ओमी ओमी एक काम करते हैं, सबको अपने वो गाँव वाला किस्सा सुनाते हैं। कौन सा वाला? अरे वो घंटा घर वाला। अच्छा वो जब आप और मैं साइकिल से जा रहे थे। हाँ वही वाला। भाई साहब बोलो बोलो। सफेद साड़ी में अचानक से एक भूतनी आ गई। नहीं सच में? अरे हाँ सच में कह रहे हैं। बोलती कि भाई साहब हमें वहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे छोड़ दोगे? हम तो भाग लिए भैया साइकिल वहीं छोड़ के। बज गए पर अभी तक सब सो रहे हैं। 3:30 सोएंगे तो ये होगा ना। सबको उठाते हैं। समर चाचू उठिए ना, समर चाचू प्लीज उठिए, प्लीज उठिए समर चाचू प्लीज। सोने दो बेटा। रणवीर चाचू उठिए ना प्लीज प्लीज। आज तो ऑफिस भी नहीं जाना, आज तो सोने दो बच्चों। यार मानसी दीदी को उठाते हैं, चल। मानसी दीदी, मानसी दीदी करो, सोने दो। आग लगे घर में, आग 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 लगे।
जाएगी। पर आप उठ ही नहीं रहते, इसीलिए। शैतान। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मुद्दत बाद इतनी देर तक जागा रात को, क्या मजा आ गया। और मुद्दत बाद मैं 9 बजे उठाऊ। हमें भी बहुत अच्छी नींद आई सच। बहुत तेरी की। हाँ? क्या हुआ? कालते, कल भी तो जा सकते हैं ना, अभी सब लोग हैं घर पे और हमें बॉलीवुड पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा चेकअप ज्यादा जरूरी है इससे। ये तो हर महीने होना ही है। एग्जैक्टली, तू चाहे कितना भी काम हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने भी बिजी हो, चेकअप करवाना पड़ेगा। आई बट डर डर। और तुम क्या हो, खूंखार शेरनी? मन तो करा जंगल में ले जाके तुम्हें। तुम मुझे जंगल में छोड़ के आना चाहते हो? कितने बुरे हो तुम। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हो अपने प्यार की और मुझे जंगल में छोड़ के आना चाहते हो। आधी बात सुन के रिएक्ट मत करो, पूरी बात तो सुनो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जंगल में ले जाके तुम दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनते, बस बोलते रहते हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अच्छा हुआ मैं आ गई तुम दोनों के साथ दादी की दवाइयाँ लेने, नहीं तो तुम दोनों तो एक दूसरे के बाल नोच लेते। काय थी, आप ही बताओ, क्या मेरा कंसर्न जेन्युइन नहीं है? घर पे सब लोग हैं, अभी इतना कुछ करना है। हाँ तो बाकी लोग भी है ना घर पे, सब काम कर लेंगे, तुम्हें हर काम करना जरूरी नहीं होता। आज बेबी के बारे में पूछना था, ठीक है किसी और दिन कर लूंगी, वो आज गायत्री भी है उनके सामने और लग सकता है, पहले अकेले में ही बात करूंगी। हेलो जी, आ गए सबके कपड़े आ गए। चलो अच्छा हो गया, ये लीजिए चाय पिए। गायु? हाँ, गायु कहाँ है? गायु कार्तिक और नायरा के साथ हॉस्पिटल गई है, बड़े टाइम के बाद मिले हैं ना वो तीनों, और मैं भी चाहते हूँ कि वो लोग मिले, फिर पता नहीं दोबारा कब मुलाकात हो। हे भगवान, स्यापा। क्या हुआ? हर भाई ये कैसे कपड़े आ गए, कोई छोटा है कोई बड़ा है और कुछ कुछ फटे भी हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने और अनन्या दी ने पूरी फिटिंग लेकर ही ऑर्डर्स दिए थे। मैं नायरा भाभी को बताती हूँ। नहीं, उसे फोन मत करना, वो भी फालतू में परेशान हो जाएगी। हाँ, इतना मन से प्लान किया है उसने, सब कुछ अपसेट हो जाएगी बेचारी, कुछ नहीं बताते। तो क्या बॉलीवुड 70s की पार्टी नहीं होगी? अरे कैसे नहीं होगी, जरूर होगी। हाँ बेटा परेशान मत हो, हम लोग है ना, किसी को निराश नहीं होने देंगे। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जहाँ हो महिलाएं वहाँ ना हो कोई समस्याएं। मतलब? समझ जाओगे। कार्तिक, तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है। आई मीन प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका प्यार सक्सेस होगा या नहीं ये तो किस्मत पे डिपेंड करता है। अब तुम दोनों को ही देख लो, तुम दोनों पहले अलग हुए फिर मिल गए। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। कार्तिक मुझे गलत मत समझना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड नायरा, और मेरी दिल से ये दुआ है तुम दोनों की इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। गायु, नायरा को अंदर जाके 5 मिनट ही हुए हैं ना? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, नायरा भी ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी चिंता तो लगी रहती है ना, पता नहीं ये चीज कब रीअकर हो जाए। वैसे भी ब्रेन से रिलेटेड है तो डर लगा रहता है बस यही सोच सोच के। घबराओ मत, शी विल बी ऑल राइट। जानता हूँ, पता है गायु, नायरा की तबीयत
मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती और कुछ नहीं। क्या हुआ? बच्चे की आवाज सुनकर रहा नहीं गया? देख लो इसे जी भर के, मैं आती हूँ 5 मिनट में। रिपोर्ट्स आ गई। As of now the reports are good. मैंने मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए हैं। सिस्टर आपको समझा देंगी। And let's meet after 1 month. Yes, thank you, doctor sir. Thank you. कार्तिक बेटे। अरे शर्मा अंकल। बेटे तुम लोग घर ही जा रहे हो ना यहाँ से? जी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हें तकलीफ ना हो तो हम भी चले साथ में। Of course, इसमें तकलीफ कैसी? चलिए फिर। यहाँ की चीजों का स्वाद ही कुछ अलग है। शुद्ध चीजें है सब, विदेश में आनंद का। भाभी आ गई। दीदी कौन चले? अरे रुक तो जा, रेडी तो होने दे। कार्तिक क्या हुआ? नायरा की रिपोर्ट साहब सब ठीक है ना? नॉर्मल है ना? हाँ सब ठीक है ना, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। और मेडिकेशन भी कम हो गया। अच्छा कपड़े आ गए सबके? कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ हाँ कपड़े एकदम परफेक्ट है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तो फिर चलिए सब रेडी हो जाते हैं। हाँ अब हम लोग पूरे 30 मिनट के बाद यहीं मिलेंगे, अब कोई भी लेट नहीं होगा। हाँ, और जो लेट होगा वो अपना मजा खुद खराब करेगा। हाँ चलो चलो माँ जी चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।